Hello students, welcome to science class. I am Rashmi, once again here with a new topic, and today I am going to explain flame, structure of a flame and three zones of a candle flame. Flame क्या होती है बेटा? What is flame? Exactly flame को हम हिंदी में जिसको हम ज्वाला या लपट है ना, blaze of fire, it is called the flame. ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र जिसपे कि कंबशन, जब मतलब गैसीय सब्सटेंस का जब कंबशन होता है तो वो जो एरिया जिसपे कि हमें लपट या ज्वाला नजर आती है उसी को हम फ्लेम बोलते हैं. हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फ्यूल है. सपोज आपके पास कोल भी है, कोयला है आपके पास, और कोयला है, लकड़ी है, ठीक है, और आप कैंडल है, और एक आपके पास जो है कैरोसिन लैंप है आपके पास जिसमें आपने कैरोसिन डाला हुआ. उन सबको आपने जला दिया. जलाने के बाद आप ये देखेंगे कि उनमें सब में ही जो है फ्लेम पैदा नहीं होती है. मीन्स आपको फ्लेम नहीं दिखेगी, ज्वाला या लपट जो होती है वो नहीं दिखेगी. कोयला जलता है तो ओनली रेड हॉट ही रहेगा वो, ठीक है. स्टार्टिंग में वो होता है, स्टार्टिंग में आपको एक बार दिखेगी लपट उसकी, यानी कि फ्लेम नजर आएगी, लेकिन बाद में वो क्या होगा, लाल लाल सा बस जलता रहता है वो, रेड रेड. कैंडल को आप जब जलाते हैं तो आपको फ्लेम दिखती है, पूरी की पूरी लौ जो है, लपट जो है वो ऊपर की तरफ नजर आती है, आपको दिखाई देती है ना. केरोसिन बर्नर जो होता है उसमें भी ऐसा होता है. हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनको, यानी गैसेस फ्यूल में तो होता ही है क्योंकि गैसेस ऑलवेज राइजेज अप, तो वो जब जलेगा तो वो फ्लेम बनेगी उसके अंदर. लेकिन सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंसेस में भी ऐसे सब्सटेंसेस जो वेपराइज हो जाते हैं, जिनमें वेपर बन रही है, तो वेपर बनेंगे तो क्या होगा. वेपर क्या है, किसी भी सब्सटेंस का वेपर यानी कि गैसियस स्टेट, तो उसमें हमें फ्लेम दिखाई देगी. क्लियर? तो यानी कि फ्लेम कहाँ बनती है, किन सब्सटेंसेस को या किस फ्यूल को जलाने पर वेपर बनते हैं, मींस फ्लेम नजर आएगी हमें, जो वेपराइज होते हैं, जिनमें वेपर बनते हैं, वो उन सब में फ्लेम पैदा होती है. क्लियर? अब है स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम. तो ये यहाँ पर हमने थ्री जोन्स बनाए हैं. और इससे पहले एक चीज और समझिए कि जस्ट फ्लेम जो होती है वो भी टू टाइप्स का, या टू जोन्स हमें बेसिकली हम कह सकते हैं. एक होती है हमारा कि अगर मान लो जो हम कोई भी कम्बस्टिबल सब्सटेंस जला रहे हैं, या ये कहें कि हम किसी भी फ्यूल का यूज कर रहे हैं, किसी भी फ्यूल को जला रहे हैं हम, तो उसमें अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के आधार पर, यानी कि कितनी ऑक्सीजन उसको मिल पा रही है प्रॉपर, तो सफिशियंट ऑक्सीजन अगर मिल रही है तो वहां पे फ्लेम का कलर कैसा होगा, ब्लू होता है हमेशा, ठीक है. उसको हम नॉन ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं, ठीक है. नॉट लाइट गिविंग, तो लाइट गिविंग नहीं होता है वो वाला एरिया, उसको नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं. और जब ऑक्सीजन की, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहती है फ्यूल को, तो वहां पर कंप्लीट कंबशन होगा, ठीक है. फ्लेम का कलर येलो होगा और वो लाइट गिविंग भी होता है. तो बेसिकली आप देखिएगा, जब आपका गैस बर्नर में जब जलती है, गैस एलपीजी जल रही होती है, तो वहां पे क्या होता है, ब्लू कलर की नजर आती है. जब कैंडल को आप जलाते हैं तो उसमें येलो होती है ना. तो कैंडल के अंदर क्या हो रहा है वहां पर, मीन्स उसको फ्यूल को प्रॉपर तरीके से इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है वहां. यानी कि जब कैंडल जल रही है तो कैंडल में क्या हो रहा है वहां पे, इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है. तो कैंडल, उस जो फ्लेम का कलर होता है बेसिकली आपने देखा होगा, वो येलो होता है ना. और वो जो होता है येलो कलर होता है, और वो लाइट गिविंग है ना, उसको हम ल्यूमिनस बोल सकते हैं. तो ल्यूमिनस होता है फ्लेम जो है, वो ल्यूमिनस है, इसीलिए हम उसमें कुछ देख पाते हैं. जो गैस बर्नर है वहां पर क्या होता है, बर्नर को इसी टाइप से डिजाइन किया जाता है कि सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि उस फ्यूल को जलने के लिए जब कंबशन वहां हो रहा है तो कंप्लीट कंबशन हो पाए, अच्छी तरीके से कंबशन हो पाए, ठीक है, पूरा का पूरा ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से मिल पाए उस फ्यूल को बर्न होने के लिए. और इसीलिए वो नॉन ल्यूमिनस होता है, उसको नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं, नॉट लाइट गिविंग, एंड द कलर ऑफ द फ्लेम विल बी ब्लू. क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर कि कितनी अवेलेबल है, उसके बिहाव पर हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लेम का कलर होता है येलो या ब्लू. अब ये यहाँ पर अब देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, मीन्स हम इसमें यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझना चाह रहे हैं कि थ्री जोन्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम. तो कैंडल के अंदर आपने तीन जोन्स देखे होंगे, तीन ऐसे क्षेत्र, एरिया देखे होंगे, है ना. अगर आप ध्यान से आप उसको देखते हैं तो बाहर वाला जो होता है वो आपका आउटर मोस्ट जोन, हल्का सा ब्लू कलर का आपको नजर आता है, ठीक है.
तो आउटर मोस्ट जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है, ठीक है, और उसका कलर जो होगा फ्लेम का वो ब्लू होता है, और कैंडल फ्लेम में जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो ब्लू कलर का होगा, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं उसको हम, और हॉटेस्ट पार्ट होता है, इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम ऑफ द कैंडल फ्लेम, ठीक है। सेकेंड वन हमारा है मॉडरेटली हॉट, ये सेकेंड पार्ट जो होता है ये मॉडरेटली हॉट है एज कम्पेयर टू द आउटर मोस्ट जोन। मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, यहाँ पे पार्शियल कंबशन हो रहा है, फ्लेम का कलर कैसा होता है, फ्लेम का कलर येलो होता है, ठीक है, इसको हम ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं, ल्यूमिनस जोन, मिडिल जोन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शियल कंबशन हो रहा है, पार्शियल कंबशन हो रहा है, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पे जो कार्बन पार्टिकल्स बन रहे हैं वो कार्बन पार्टिकल्स जो है ग्लो करते हैं, और ग्लो करने की वजह से क्या होता है, हमें वो लाइट गिविंग हो जाता है, फिर हमें वो रोशनी मतलब देता है वो वाला पार्ट, ठीक है, और बाद में फिर वो कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो फिर शूट एंड उसमें कन्वर्ट, स्मोक में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन हमारा है मीन्स सबसे जो अंदर वाला जिसको हम कहें, ठीक है, ये तो हमारी विक हो गई यहाँ पे कैंडल में, कैंडल के अंदर ये पूरे कैंडल है, ठीक है, मोम की बनी हुई, वैक्स की बनी हुई है, तो वैक्स कैंडल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इसकी क्या होगी विक, विक बत्ती जो होती है वो जो धागे की बनी हुई होती है ना, तो उसको विक बोल रहे हैं, और उसको जलाते हैं जब हम, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर उसको जल रही है, जलने के बाद जब बुझा देते हैं, एक्सटिंग्विश कर देते हैं इसको, बुझ जाती है वो, तो काला काला सा काली हो जाती है, कार्बन पार्टिकल्स रहते हैं हमें ना, तो ये बेसिकली क्या है, मॉडरेटली जो हॉट पार्ट मतलब बीच वाला जो पार्ट है वहां पर कार्बन पार्टिकल्स होते हैं और कार्बन पार्टिकल्स ही ग्लो करते हैं, और इनर पार्ट जो है हमारा इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर, तो यहाँ पर वैक्स वेपर जो क्या है, अनबर्न्ड वैक्स वेपर बनते हैं, और ये लीस्ट हॉट पार्ट होता है कैंडल फ्लेम का, क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कैंडल के अंदर, ठीक है, कैंडल के अंदर जो फ्लेम्स, जो कैंडल फ्लेम जो होती है उसमें भी हमें तीन अलग अलग जोन में हमने उसको डिवाइड कर दिया है। अगर हम इसको बहुत ही माइन्यूटली अगर उसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जस्ट बाहर वाला जो है ब्लू कलर का एक पतला सा पार्ट होता है, बहुत ही पतली से लाइन से टाइप से नजर आता है, वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम फ्लेम का, और जो बीच वाला है येल्लो येल्लो सा दिखता है, जो हमें जो मोस्टली जो पार्ट उसी का ही बना होता है वो हमारा होता है ल्यूमिनस जोन बोल रहे हैं उसको हम, पार्शियली कंबशन वहां पर हो रहा है क्योंकि इनसफिशियंट, पूरी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो इसलिए वहां पार्शियल कंबशन हो रहा है, ल्यूमिनस जोन है, और वहां का जो टेम्परेचर वो भी क्या है, मॉडरेटली हॉट है, और जो अंदर वाला पार्ट जो होता है के आसपास वाला उसको हम वो लीस्ट हॉट पार्ट होता है, क्लियर। तो दिस वन इज अ फ्यूल सॉरी फ्लेम, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, और हमने जो कैंडल फ्लेम है उसके जो थ्री जोन्स हैं उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स जो अभी तक हमने डिस्कस किए वन बाय वन, फ्लेम है या फ्यूल है, कंबशन है, कोई भी चीज़ें हैं, तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी।